हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी देख रहे हैं हमारी एचपीएस मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन सीरीज और आज हम डे 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर द टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। और 2020 के मेंस एग्जाम के अंदर GS2 में जो इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे उनका डिस्कशन हम आपके साथ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14। सो ये 14th क्वेश्चन है। इससे पहले के 13 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस टू सेशंस में डिस्कस किए हैं 2018-2019 के एग्जाम में, जो आपसे आईआर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जाकर के एक बार उन वीडियोस को भी देख लीजिए ताकि पूरी कॉन्टिन्यूटी आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से कुछ टॉपिक्स और क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहां हमारा 14th क्वेश्चन है कि एनालाइज द इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 60 वर्ड्स के अंदर आपसे बेसिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो पूछा गया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें आपको अपना कोई जजमेंट अपना व्यू पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप बताएंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन टू नेशंस, जो कि एक बहुत क्लियरली डिफाइंड टर्म नहीं है। इसका एक ये मतलब होता है कि बायलेटरल पार्टनरशिप जो है वो स्ट्रेटेजिक इश्यूज को लेकर के की गई है। स्ट्रेटेजिक इश्यूज क्या होते हैं? वो इश्यूज जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट यानी कि डिफेंस से जुड़ा, सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन आजकल के टाइम पर हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हमारे इकोनॉमी से, एनर्जी से भी जुड़े हुए हो सकते हैं और आजकल एनवायरनमेंट से जुड़े हुए भी हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होते हैं, खासतौर पे क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को देखते हुए। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत के केस में कोई इसकी बहुत क्लियर डेफिनेशन नहीं है। ये कोई अलायंस नहीं होता है। अलायंस का मतलब क्या होता है कि किसी ट्रीटी के तहत कोई दो कंट्रीज जो है उन्होंने आपस में अलाई कर लिया है, यानी कि किसी भी इश्यू को लेकर के वो दोनों कंट्रीज एक ही साइड पर रहने वाली है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि हम अलायंस कर लेते हैं यूएसए के साथ, तो इसका क्या मतलब होगा कि कोई भी इशू हो उसमें इंडिया जो है हमेशा यूएस की तरफ रहेगा या यूएस जो है वो हमेशा इंडिया की तरफ रहेगा। लेकिन ऐसा इंडिया किसी भी कंट्री के साथ अलायंस नहीं बनाता है। जैसा कि आप जानते हो हर मुद्दे के ऊपर इंडिया का अपना इंडिपेंडेंट स्टांस होता है। कुछ इश्यूज के ऊपर हम कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, कुछ इश्यूज पे हम पर्टिकुलर दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे इंटरेस्ट कहां लाई करते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है कोई अलायंस नहीं है। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, जापान के साथ भी है, यूएस के साथ भी है, लेकिन इसमें हम स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे हम कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग दूसरी कंट्रीज के साथ कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर मैंने बोला कि ये जो एक रिलेशनशिप है ये दूसरी जो हमारी नॉर्मल रिलेशनशिप्स होती हैं उनके से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारी पाकिस्तान से कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है। तो जो रिलेशन हमारे पाकिस्तान से है या जो रिलेशन हमारे श्रीलंका से है उससे थोड़े से अलग रिलेशन हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ होते हैं। तो दीज पार्टनरशिप कैन टेक ऑन वेरियस फॉर्म्स। इसमें आपकी इक्विटी अलायंसेस हो सकती है, जॉइंट वेंचर या क्रॉस होल्डिंग भी हो सकती है, कॉन्ट्रेक्चुअल कोऑपरेशन हो सकती है, शेक हैंड एग्रीमेंट हो सकते हैं। ये अलग अलग तरीके की एग्रीमेंट्स हैं रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगर मैं इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की बात करूं तो 30 से ज्यादा कंट्रीज के साथ भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर चुका है। सबसे पहली पार्टनरशिप हमने 1998 में फ्रांस के साथ की थी। तो ये कुछ बेसिक डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखिए रवांडा, यूएस, चाइना, जापान जैसी कंट्रीज के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हुई है। रवांडा में तो हमारा फुल टर्म मिशन यानी कि जो हमारा दूतावास होता है वो भी रवांडा के अंदर मौजूद नहीं है। हमारा एम्बेसडर फुल टाइम रवांडा में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी रवांडा के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हमारी चाइना के साथ भी है, जापान के साथ भी है, और चाइना जापान दोनों हम जानते हैं वो आपस में बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रखते हैं। चाइना के रिलेशन हमारे साथ भी बहुत अच्छे नहीं है। तो अगर मैं ये कहूं कि चाइना के साथ भी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जापान के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो क्या इसका ये मतलब है कि इंडिया के रिलेशन जैसे जापान से है वैसे ही चाइना से है? दिस इज नॉट ट्रू। हमारे जापान से रिलेशंस काफी ज्यादा कॉर्डियल हैं, काफी ज्यादा अच्छे हैं, और चाइना के साथ रिलेशंस जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, उतार चढ़ाव से भरे हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर हमें क्या पता लग रहा है कि द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज मोर विंडो ड्रेसिंग देन सब्सटेंस। हमने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है अलग अलग कंट्रीज के साथ उसमें सब्सटेंस कम है, वो नाम के तौर पर इंपॉर्टेंस उसकी ज्यादा है। ठीक है जी। इसके बाद हम अनइंपॉर्टेंट नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं जैसे यूएस, चाइना, उनको भी हमने सब्सटेंशियल जो है मीनिंग दे रखी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। सिमिलर स्टेटस जो है वो हमने इंडिया चाइना रिलेशनशिप को भी दिया है। इसका मतलब ये है कि किस तरीके की इंपॉर्टेंस हम देते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को उसमें भी बहुत डिफरेंस है। यूएस भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, रशिया भी है, चाइना भी है, जापान भी है। तो ये सब चीजें हमें दिखाती हैं कि इवन अगर हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के सारे ग्रुप को ले लें उसमें भी हमारे रिलेशंस अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग है। ठीक है। तो ये सारी चीज बाद में मैंने एक इंट्रोडक्शन भी दिया है,
कंक्लूजन भी दिया है, हालांकि जरूरत नहीं है। मैंने लिख दिया कि देखो ये चीज हमें बता दी है कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसमें बहुत आर्बिट्ररीनेस है, इसको हमें हटाना चाहिए, हमें ज्यादा क्लियर मीनिंग इसको देनी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी इसके अंदर आनी चाहिए ताकि हमारी जो पॉलिसी है वो ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाए। अभी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उतनी कंसिस्टेंट नहीं है, प्रेडिक्टेबल नहीं है। हमारी सिर्फ जो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है वो क्या है कि सिर्फ इंडिया के इंटरेस्ट मैटर करते हैं हमारे लिए सबसे पहले, तो इसको हमें थोड़ा सा और ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत है। ये चीज अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या चेंजेस करने की जरूरत है तो ये चीज आप वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहां पर इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस की बात हो रही है, दैट डिस्कस द इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस आफ्टर कमिंग ऑफ तालिबान रजीम। सो ये क्वेश्चन आया है 2020 के पेपर में, यानी 2021 में हमसे पूछा गया, और उस टाइम पर जो अफगानिस्तान है वो दोबारा से अफगानिस्तान की जो पॉलिटी है वहां पर तालिबान कब्जा कर चुका है और इसके कारण जो यूएस का विथड्रॉ हुआ है उसमें इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस किस तरीके से बदल रहे हैं उसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के अफेयर्स में इंडिया जो है लगभग 20 इयर्स से, 2 डेकेड से जो है वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रख रहा है और हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करें और टेररिज्म के जो ग्रुप्स हैं उनकी जो पकड़ है, उनका जो इन्फ्लुएंस है उसको हम लोग कम करने की कोशिश करें। तो यहां पर सिक्योरिटी, ट्रेड, कनेक्टिविटी और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर के जो हमारे रिलेशंस हैं वो हमने यहां पर लिख दिए। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में वहां की आर्मी को ट्रेन किया और उसके बाद जब तालिबान के रिजीम आ चुकी है तब हमने भले आर्मी और डिफेंस कोऑपरेशन वहां से बंद कर दिए, बट स्टिल हमारा हमेशा ये स्टांस है कि अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और दूसरी कंट्रीज का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में नहीं होना चाहिए। ट्रेड हम अफगानिस्तान से अच्छी खासी ट्रेड कर रहे हैं और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर देखें तो बहुत अच्छा है। इवन ईरान के थ्रू चाबहार पोर्ट के रास्ते से हम ईरान अफगानिस्तान में काफी ज्यादा जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी हमने काफी कर रखी है अफगानिस्तान के अंदर। कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हम लोग वहां पर फाइनेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो अपने रिलेशंस तालिबान के आने के बाद उन्होंने सोचा कि हमारे रिलेशंस बेहतर हो जाएंगे अफगानिस्तान से, बट इवन आफ्टर कमिंग ऑफ तालिबान रजीम पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस वो बेहतर नहीं हुए हैं, वो और डिटेरियोरेट ही हुए हैं और इसमें इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा। फिर हमने इंडिया की पोजीशन जो शिफ्ट हुई है तालिबान को लेकर वो भी हमने लिखा है कि इंडिया ने वेट एंड वॉच का अप्रोच लिया जब तालिबान आ गया वहां पर। जब तालिबान आया था तब हमने कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक्शन नहीं लिए, ना हमने उसे कंडेम किया, ना क्रिटिसाइज किया, ना हमने उसकी तारीफ की, हमने वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखी और आज के समय भी हमारा एक न्यूट्रल स्टांस है। हम अफगानिस्तान को अपना एलाई मानते हैं और अफगानिस्तान की जो तालिबान रजीम है हम उसको भी यही जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि दे आर स्टिल आर एलाइज और सेंट्रल एशिया के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी बनाने के लिए जो तालिबान रजीम है उसका कोऑपरेशन बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये यहां तक आपका आंसर जो है वो खत्म हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। आगे जो मैंने चीजें लिखी हैं ये और कुछ नोट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन आते हैं इंडिया अफगानिस्तान से जुड़े हुए आने वाले पेपर्स के अंदर, तो करंट सिनेरियो को देखते हुए क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस में, वो सारी चीजें मैंने यहां पर लिख दी हैं। ऑल्दो दीज आर नॉट वेरी पर्टिनेंट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड कि अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन जो है वो तालिबान रजीम आने के बाद कैसे चेंज हुए हैं उसमें आपको नहीं लिखने पड़ेंगे, लेकिन फ्यूचर में तालिबान रजीम क्योंकि वहां वेल एस्टैब्लिश्ड है तब हमारा रिलेशन किस तरीके से अफगानिस्तान के साथ प्रोग्रेस होना चाहिए वहां पर आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब इंडियाज गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन को डिस्क्राइब करना है, अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। गुजराल डॉक्ट्रिन एक बहुत सिंपल डॉक्ट्रिन है भारत के नेबरहुड कंट्रीज के साथ रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए इस डॉक्ट्रिन का यूज किया जाता है। तो इट इज अ सेट ऑफ 5 principles, ठीक है, 5 principles हैं बेसिकली गुजराल डॉक्ट्रिन के जो हमारे कंडक्ट को डिसाइड करते हैं विद आर इमीडिएट नेबर्स। ये 5 principles क्या है कि जो नेबर्स हैं बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया डज नॉट आस्क फॉर रेसिप्रोसिटी बट गिव्स एंड अकोमोडेट इन गुड फेथ एंड ट्रस्ट, कि इन कंट्रीज के साथ हमने अपने अच्छे रिलेशन बनाए हैं, हम इनसे उसी तरीके के रिलेशंस वापस एक्सपेक्ट नहीं करते। इन कंट्रीज की हम हमेशा जो है मदद करते हैं, इन कंट्रीज के लिए हमेशा एक बड़े भाई के तौर पे हम लोगों को रहना चाहिए, इन कंट्रीज को सिक्योरिटी, इनकम, ट्रेड, बिजनेस इसको लेकर के हम हमेशा एक बेनेवोलेंट कंट्री की तरह इनके लिए एक्ट करें। हम ऐसा ना सोचें कि हम तुमको कोई फायदा दे रहे हैं तो तुम भी इसके बदले में हमें बराबर का फायदा दो, क्योंकि ये कंट्रीज स्मॉल कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं और इंडिया के कंपैरिजन में जो इकोनॉमीज हैं वो बहुत ज्यादा छोटी हैं, इस वजह से हमें इनके साथ थोड़ा अलग रिलेशन रखना है। No South Asian country should allow its territory to be used against the interest of another country. हमारा ये सेट फंडा है कि कोई भी कंट्री हो साउथ एशिया की उसकी जमीन को दूसरी कंट्री के अगेंस्ट यूज नहीं करने देना है। No country should interfere in the internal affairs of another country.
ऑल साउथ एशियन कंट्री मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी एंड दे शुड सेटल ऑल देयर डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशंस। सो यहां पर आप देख लो, पाकिस्तान को छोड़ करके हमने सभी कंट्रीज के साथ कैसा बर्ताव रखा है कि हम एक बड़े भाई के तौर पर उनके साथ एक्ट करेंगे। वी विल ट्राई कि वो कंट्रीज हमेशा अच्छे से डेवलप करें और उसमें हम जितनी उनकी मदद कर सके हम लोग मदद करेंगे। बस एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि कोई भी कंट्री दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में जो है इंटरफेयर नहीं करेगी, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करेगी और दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी का ध्यान रखेगी। तो ये सारी चीजें आपके इस गुजरात डॉक्ट्रिन का पार्ट है। इतने ही 5 प्रिंसिपल्स अगर आप लिख देते हो तो आपका आंसर यहां पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आगे मैंने एप्लीकेशन भी लिख दी है यहां पर, अगर आप चाहें आपसे पूछा जाए कि रेलेवेंस क्या है गुजरात डॉक्ट्रिन का, तो आप ये एप्लीकेशंस लिख सकते हैं कि किस तरीके से अगर हम देखें बांग्लादेश के साथ हमने अपना बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल कर लिया, रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट हम बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, श्रीलंका के साथ अक्सर जो है हम लोग उनको इकोनॉमिक मदद भी करते हैं, जो रिसेंट क्राइसिस आया था श्रीलंका में उसमें भी हमने श्रीलंका की काफी मदद की है, भूटान के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए हमारे डिफेंस फोर्सेज ने चाइना के साथ जो जाकर है कन्फ्रंटेशन वहां पर की है, नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल के सिटीजन को भारत में हम लोग अपनी डिफेंस फोर्सेस के अंदर या गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि हम किस तरीके से गुजरात डॉक्ट्रिन को यूज करके साउथ एशिया के अंदर एटलीस्ट अपनी गुडविल को मजबूत कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछा गया रिगार्डिंग यूएन पीस कीपिंग एक्टिविटीज। अगर आपको याद हो कि यही क्वेश्चन हमें 2018 के पेपर में भी पूछा गया था कि भारत का रोल क्या रहा है यूएन पीस कीपिंग एक्टिविटीज में, क्वेश्चन नंबर 6 था इस सीरीज का, आप जाकर के उसका आंसर देखिए, द सेम आंसर यू कैन यूज हियर। तो यहां पर आपको पता लग रहा है सेम चीज, सेम क्वेश्चन आपका दो बार रिपीट हो गया। ठीक है, एक बार 2018 में और उसके बाद 2020 में। फिर देखिए क्वेश्चन, एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, अगेन 2018 में पूछा गया सवाल है, दोबारा से रिपीट हो गया है। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि एग्जैक्टली सेम चीजें आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर दोबारा रिपीट हो जाती है। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की डिस्कशन यहां पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू रिमेंबर कि व्हाट आर दोस रिकरिंग थीम्स, वो दोबारा बार बार पूछी जाने वाली चीजें कौन सी हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्कस इन डिटेल अबाउट इंडिया फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एफडीआई पॉलिसी के बारे में यहां से आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपको डिटेल बतानी है, पहले तो आप एफडीआई को डिफाइन कर दोगे। एफडीआई होता क्या है? FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एक फर्म या इंडिविजुअल करता है एक दूसरी कंट्री के अंदर, तो इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर से कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया के किसी बिजनेस में, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दे या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दे, तो हम उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसे गवर्न करने के लिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यूज होती है, फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसी, और फेमा का जो एक्ट है जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को रेगुलेट करता है वो भी यहां पर अपने कुछ प्रोविजंस को लेकर आता है। तो एफडीआई एक मेजर सोर्स है नॉन डेप्ट फाइनेंशियल रिसोर्स का। भारत के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम देखें खासतौर पर 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, तो जो बहुत तेजी से हमारी ग्रोथ हुई है उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आई है भारत के अंदर। तो भारत को सिर्फ लोकल इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, भारत की कंपनीज, भारत के जो फर्म्स हैं, दे कैन ऑल्सो अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, चाहे वो डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हो, और उससे हम अपने इन्वेस्टमेंट करके अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को तेज करते हैं। तो एफडीआई जो फ्लो होते हैं इंडिया के अंदर उनको हमने एक लिबरलाइजेशन के बाद देखा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है उनकी वजह से, स्ट्रेटेजिक सेक्टर हमारे डेवलप होते हैं, चाहे हम न्यूक्लियर सेक्टर देखें, चाहे हम हमारा जो आईटी सेक्टर है उसकी बात कर लें, ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसकी बात कर लें। तो जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी आप अपने आंसर के अंदर यूज कर सकते हो, जैसे सुजुकी भारत के अंदर आई, मारुति के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर ली, तो वो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कितना जरूरी था। इसी तरीके से जो इंडिया की कंपनीज भी हैं वो भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से उनको भी फायदा हुआ है, जो दूसरी कंट्रीज की कंपनीज से उनको पार्टनरशिप करने के बाद मिली है। ठीक है, अब फीचर क्या है इंडिया के एफडीआई पॉलिसी के, वो एक एक करके फीचर मैंने लिख दिए हैं। दो रूट के थ्रू एफडीआई होता है, ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में फॉरेन इन्वेस्टर को कोई इंडियन गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली वो सेक्टर्स के अंदर अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा रूट है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल उनको चाहिए होता है, और ये गवर्नमेंट का अप्रूवल जब मिल जाए देन दे कैन ऑलमोस्ट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। अब इंडिया में 100% एफडीआई अलाउड है इन नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, एंड इसमें किसी तरीके की गवर्नमेंट क्लियरेंस की उसको जरूरत नहीं है। प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए चाहिए होता है, जैसे डिफेंस, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, सिविल एविएशन, माइनिंग, इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तब आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, जो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट है। और इसके अलावा अगर कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आती है
यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं या जो कंपनीज रहती हैं, अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करती है भारत के अंदर, चाहे वो किसी भी सेक्टर के अंदर करे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट का अप्रूवल हमको चाहिए होता है। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, ये जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का पोर्टल है, दिस पोर्टल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कि जो भी गवर्नमेंट रूट के थ्रू आने वाली इन्वेस्टमेंट है उसको अप्रूव करना या ना उसको रिजेक्ट करना, ये सारा काम जो है बोर्ड के थ्रू होता है। और फिर आप बता देंगे कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर एफडीआई अभी प्रोहिबिटेड है। वेरियस सेक्टर्स लाइक लॉटरी, निधि कंपनी, चिट फंड, रियल एस्टेट, टोबैको प्रोडक्ट्स, यहां पर आपका जो है एफडीआई अभी बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। इसी तरीके से एटॉमिक एनर्जी के सेक्टर में एंड रेलवे ऑपरेशंस के अंदर भी आपका जो एफडीआई है प्राइवेट कंपनीज के अंदर बिल्कुल बैन है। गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू गवर्नमेंट कंपनीज में आप जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ले सकते हैं या पार्टनरशिप आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी फीचर्स हैं फॉर द इंडियाज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा। तो यहां पर आपको एनालाइज करना है कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रही हैं इंडियन डायस्पोरा की इन द रियलाइजेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी गोल्स, कि जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में वो लोगों का क्या रोल रहता है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, या फिर बहुत सालों पहले उनके एंसेस्टर्स इंडिया को छोड़कर के दूसरी कंट्रीज में जा चुके हैं। तो इंडियन डायस्पोरा बेसिकली मींस व्हाट, ऐसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं और दूसरी कंट्रीज के सिटीजंस बन चुके हैं, काफी समय से दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वी नो दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऋषि सुनक, ही इज ऑफ इंडियन ओरिजिन बट ही इज नॉट इंडियन, वो इंडियन नहीं है और ना हम उनको कह सकते हैं कि इंडियन सिटीजंस हैं वो या इंडियन इंटरेस्ट उनके सबसे प्राइमरी होते हैं, लेकिन बहुत सालों पहले वो इंडिया से, उनके एंसेस्टर्स जो है वो इंडिया से दूसरी कंट्रीज में जाकर के बस चुके हैं, तो वो इंडियन ओरिजिन के हो गए। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिटीजन नहीं है दूसरी कंट्रीज के, जिनको एनआरआई कह दीजिए, या फिर वो स्टूडेंट्स बन के दूसरी कंट्रीज में गए हैं या जॉब्स के लिए, काम के लिए वो दूसरी कंट्रीज में जाकर काम कर रहे हैं, तो ये सारे लोग बनते हैं हमारा इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, तो ये डायस्पोरा हमारी क्या मदद कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट इंडिया कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट, 17.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है हमारा। तो भारत के देश से दूसरी कंट्रीज में जाकर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा रेमिटेंस भी जो है हमें मिलती है। $100 बिलियन की रेमिटेंस हमें मिली है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर फ्रॉम द पीपल हु आर स्टेइंग आउटसाइड, हु आर स्टडिंग आउटसाइड और वर्किंग आउटसाइड, और वो इंडिया को वापस अपनी रेमिटेंस भेजते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा इज मोर प्रॉस्परस देन बिफोर, उसका इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो इंडिया के डेवलपमेंट में इंक्रीज हो रहा है। उसका रोल क्या है, एक एक करके पॉइंट वाइज आप यहां पर रूल लिखना स्टार्ट करेंगे। फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये जो इंडियन डायस्पोरा है वो सॉफ्ट पावर भी यूज करता है, वो भले ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं है कुछ कंट्रीज के अंदर, लेकिन स्टिल फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक कनाडा, फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड फॉर वेरियस यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो एक इंपॉर्टेंट वोट बैंक भी है। और ये ऐसा वोट बैंक है जो एक ही तरफ वोट करता है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड व्यूज हैं। दीज वोट बैंक्स आर ऑलवेज केटर टू द इंडियाज इंटरेस्ट। तो जो भी वहां की लोकल पॉलिटिकल पार्टी या लीडर्स इंडिया को फेवर करेंगे उनके प्रति उनका वोट जाता है, जो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो प्राइम मिनिस्टर जैसे उनका मेडिसन स्क्वायर गार्डन का आप एग्जांपल दे सकते हो कि इतने ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे जो इंडियन अमेरिकन सोसाइटी को बिलोंग करते थे, और वो दिखाता है कि किस तरीके से ये डायस्पोरा भले ही दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, सिटीजन है, लेकिन स्टिल इंडिया के इंटरेस्ट उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। फिर हम लिख देंगे कि डायस्पोरा की डिप्लोमेसी होती है वो लॉबिंग करते हैं हमारे लिए, हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसके लिए अपने लीडर्स को, अपने चाहे वो मिनिस्टर्स हों चाहे उनके एमपीज एमएलएज हों, उनको वो लोग प्रोत्साहित करते हैं, उनको वो लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो इंडिया के इंटरेस्ट में, इंडिया के फेवर में वोट दें या पॉलिसीज बनाएं। फिर डायस्पोरा की डिप्लोमेसी है कलेक्टिव एक्शन, चाहे वो कल्चर हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, उसमें भी इंडिया का जो डायस्पोरा है वो बहुत फेवरेबल रहता है। हम जानते हैं कि बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर भी हमारे इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो सीईओज हैं या बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस में काम करते हैं, तो वहां पर भी इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और फिर आप एग्जांपल्स दे सकते हो बहुत सारे, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, यूएस इंपैक्ट, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, कनाडा इंडिया फाउंडेशन, कनाडा इंडिया बिजनेस काउंसिल, ये सारी जो चीजें हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स हैं और ये इंडिया के इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करने में, उनको प्रॉस्पर करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर एग्जांपल मैंने आपके कुछ नोट डाउन कर दिए, एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो। इसी तरीके से चैलेंजेस जो है वो भी मैंने लिख दिए, हालांकि चैलेंजेस पूछे नहीं गए क्वेश्चन के अंदर, बट स्टिल अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन डायस्पोरा, तो वो चैलेंजेस भी आप यहां पर लिख सकते हो कि हेटेरोजेनस डायस्पोरा है, इसमें डिफरेंट डिमांड्स रहती है इंडियन गवर्नमेंट की, जैसे कि कुछ गल्फ में इंडिया का एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है, खासतौर पर साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो वो गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाकर के काम करता है और उनको वेलफेयर इश्यूज की दिक्कत होती है वहां पर, राइट।
राइट, क्योंकि इंडिया के वर्कर्स जो जा रहे हैं कई बार उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कई बार उनके साथ जो लेबर है उनके से जो काम करवाया जा रहा है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है और उनके वेलफेयर का बहुत ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन अगर हम वेल्दियर नेशन की बात करें जैसे यूएस है, यूके है, तो वहां पर इंडिया से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज की अपेक्षा की जाती है कि इंडिया के साथ हम ज्यादा इकोनॉमिक ट्रेड या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट देखें। तो ये सारी चीजें, अब इसी तरीके से फिजी, मॉरिशस जैसी कंट्रीज के अंदर जो इंडियन डायस्पोरा है वहां पर हम कल्चरल ग्राउंड्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली कुछ कंट्रीज के अंदर हमारे इंटरेस्ट अलग है, कुछ कंट्रीज में हमारे इंटरेस्ट अलग है। वेल्दियर कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज के अंदर जो हमारा डायस्पोरा है वो उसकी कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस है, उनके कुछ अलग चैलेंजेस हैं। जो गल्फ कंट्रीज में हमारा डायस्पोरा है उसके अलग चैलेंजेस हैं, और वो डायस्पोरा जो दूसरे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर है या फिर आइलैंड नेशंस या अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर है उनका जो एक्सपेक्टेशन है, उनके चैलेंजेस जो है वो अलग है। इसी तरीके से आप ये भी देखेंगे कि जो भी इंटरनेशनल पॉलिसीज बनती हैं उसका इफेक्ट हमारे डायस्पोरा में भी पड़ता है। जैसे कि अगर एंटी ग्लोबलाइजेशन वेव स्ट्रांग हो रही है, अभी हमने देखा था यूएस के अंदर भी व्हेन द डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी केम तो वहां पर प्रोटेक्शनिज्म स्टार्ट हो गया और इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट वहां पर एक सेंटिमेंट को बनाने की कोशिश की गई। जब ऐसी चीजें की जाएंगी तो उससे इंडियन डायस्पोरा के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से अगर कोई वेस्ट एशियन, जैसे वेस्ट एशियन क्राइसिस हुआ, वॉलेटिलिटी हुई वेस्ट एशिया के अंदर, वेस्ट एशिया में बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स है उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो सिटीजन्स वहां पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ और सेफ्टी को भी खतरा होता है। इसी तरीके से यूक्रेन का एग्जांपल आप देख सकते हो, जब वहां पर रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में रह करके पढ़ रहे थे उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी सेफ्टी के ऊपर भी खतरा हुआ। तो ये हमारे डायस्पोरा के चैलेंजेस हैं कि जब ऐसे कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उनको झेलने पड़ते हैं तब इंडियन गवर्नमेंट को आकर उनकी मदद भी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें आप फाइनली कंक्लूड कर देंगे कि जो डायस्पोरा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपल्स हमारे लिए प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग एनआरआई पॉलिसी हो और उस पॉलिसी को यूज करके हमें डेवलप्ड कंट्रीज के साथ काम करके किसी भी तरीके का फायदा अगर हमारे डायस्पोरा को मिले तो उसको देना चाहिए। हमारे डायस्पोरा को जो प्रोटेक्शन चाहिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज में या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में वो उनको देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस के अंदर यूजुअली टेस्ट की जाती हैं, और क्वेश्चंस अगर आप देखो तो कई बार वही थीम्स रिपीट हो रही हैं। चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट, रशिया और यूएस के साथ हमारे रिलेशंस, जो हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस, और इंडियन डायस्पोरा और यूएन के रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशंस में जो रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन ज्यादा हैं जो पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिक्स को जरूर अच्छे से प्रिपेयर करके आप लोग जाइएगा। और इसी के साथ ये सेशन मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सेशन, एंड इसी तरीके से लगातार पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।